इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं। कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड लीड न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर 82। इस प्रॉब्लम में यह कहा गया है कि अल्फा पार्टिकल्स को लेड न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया जाता है। अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वह 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर गिवन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में तो 10 ऐसे ही रहेगा, मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 to the power -k 19 जूल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 to the power 6 और एक ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -k 12 जूल। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ई। अब हम जानते हैं जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये कोई एटम है और ये न्यूक्लियस है। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाता है इस तरीके से, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं, इनको बम्बार्ड किया गया है तो पूछा गया है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, कितने पास तक वो पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं जहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, उस सिचुएशन में अल्फा पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस पर जाएंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है, और जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उस सिचुएशन में वो मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², इसको हम ई भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है के चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड ई इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2E/d। यही वो डिस्टेंस है जहां पर मिनिमम वो होंगे। यहां पर क्या है, ये जेड ई चार्ज ऑफ न्यूक्लियस 2E चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अपॉन डी, यही मिनिमम डिस्टेंस होती है। अब हम जानते हैं यहां पर ई कितना होता है, तो ई होता है 1.6 इंटू 10 to the power -k 19 कूलाम मिनिमम चार्ज, और यहाँ पर जेड गिवन है कितना है, ये 82। तो आप यहाँ पर देखेंगे और ई भी हमको गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है, ये 1.6 इंटू 10 to the power -k 12 जूल। इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करने पर तो कितना आ जाएगा, ये 1.6 इंटू 10 to the power -k 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर k की वैल्यू भी गिवन होती है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 to the power -k 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 to the power 9। जेड की वैल्यू हो गई 82। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 to the power -k 19। यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 to the power -k 19 अपॉन डी, हमको कैलकुलेट करना है। तो ये डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 82 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -k 19 इंटू ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 to the power -k 19 अपॉन आ जाएगा ये 1.6 इंटू 10 to the power -k 12। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 9.4 इंटू 10 to the power -k 15 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 9.4 फेमटोमीटर। 1 फेमटोमीटर इज इक्वल्स टू होता है फेमटोमीटर 10 to the power -k 15 मीटर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जिसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर रहेंगे मिनिमम, तो वो डिस्टेंस होगी 9.4 फेमटोमीटर, यानी कि न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस से इससे कितनी डिस्टेंस पर रहेंगे, 9.4 इंटू 10 to the power -k 15 मीटर डिस्टेंस पर रहेंगे, यानी कि इससे कम डिस्टेंस न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में नहीं हो सकती है।
दोस्तों इस तरीके से हम बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर से रिजवाइन हो सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।